पूरा हमारा जितना गांव समाज यहाँ की 500 की आबादी का है, यदि ऐसा कार्य नहीं होता तो हम पीको के नाम से घोषित हो रहे हैं। आज के बाद इसको पीओके के नाम से जाना जाएगा। हम सिरमबनपुर के लोगों ने फैसला किया है कि आज के बाद हमारा ये सिरमबनपुर पीओके के नाम से जाना जाएगा। जो एक पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर था, वो ये दूसरा पीओके बन गया है सिरमबनपुर, जहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है। और नेता लोग के कहते हैं कि हमने बहुत सारा विकास किया है, वो विकास उनके पेपर तक ही सीमित है। हमारी जमीन पर, सिरमबनपुर की जमीन पर कोई भी विकास के नाम पर एक धब्बा है। हमारे ना तो संचालय है, एक भी बच्चे हैं तो कहाँ जाएंगे? और ना तो बत्ती है गई, और ना सड़कें हैं गई, नाली का ना पानी का ना कहो का, सब तो कह चुकी हैं प्रधानंत, सब तो कह चुकी हैं, कोई नहीं सुनाई कर रहा है तो कहाँ हम जाएंगे? तो ये हमारा सिरमबनपुर गांव जो बसा हुआ है, बहुत सालों से बसा हुआ है, कम से कम 70 साल हो गए। तो 70 सालों से अभी तक यहाँ लाइट, पानी, शौचालय, कॉलोनियाँ, इस सब चीज़ों की कोई व्यवस्था नहीं है। खम्भे जो 2-3 साल से गड़े हुए हैं, उनमें अभी तक तार नहीं लगे। हमारे सर के ऊपर से 11,000 वोल्ट की लाइन जा रही है, वो दूसरे लेकिन हमारे लोगों के कनेक्शन नहीं किए गए। हमारे प्रधान का ये कहना है कि हमको इस सिरमबनपुर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने हमें वोट नहीं दिया है। अगर राजा यही प्रजा के लिए सोचेगा तो इस जनता का क्या होगा?